पर। नवरायपुर के में आज से संविदा कर्मचारियों का प्रदेशव्यापी धरना शुरू हो गया है। इस महाआंदोलन में प्रदेश भर से संविदा कर्मी नियमितीकरण की मांग को लेकर एकजुट हो रहे हैं। सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर आज से नवरायपुर के आंदोलन स्थल तूता में महाआंदोलन का आगाज होने जा रहा है, जिसमें भाग लेने प्रदेश भर से 10,000 से अधिक संविदा कर्मी पहुंच रहे हैं। वहीं सुदूर एरिया बीजापुर, बलरामपुर और सुकमा से आंदोलनकारी सुबह से धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं। आइए हम सीधा जुड़ते हैं महाधरना स्थल पर मौजूद हमारे संवाददाता मुकेश वर्मा के साथ। मुकेश जी, बताइए किस तरीके का वहां पर माहौल है और कितना ज्यादा संविदा कर्मियों के अंदर आक्रोश है अपनी मांगों को लेकर? देखिए, मैं आज सुबह से ही धरना स्थल की तरफ जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं उनका आना शुरू हो गया था। पूरे प्रदेश भर से अनियमित कर्मचारी जो है यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी मांग जो इनकी मांग है, जो मांग है, मुख्य मांग है इनकी, हमें संविदा से हटाकर नियमितीकरण किया जाए। जिसकी जो ये इसमें फिर एक समिति का भी गठन हुआ था सन 2019 में, पांच लोगों की एक समिति बनी थी इस पर भी, उस पर अब तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। इसको लेकर के जो इनमें जो रोष व्याप्त है वो रोष व्याप्त करने के लिए और इसे सही से ज्ञापन सौंपने का उनका आज का प्लान है। जी, अभी जो धरना स्थल है वहाँ पर लगभग कितने कर्मचारी एकत्रित हो चुके हैं और किस तरीके का वहाँ पर माहौल है और क्या कुछ उनका कहना है, आपकी किस से बात हुई वहाँ पर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगभग यहाँ पर से 3,000 से 4,000 लोगों की भीड़ आ चुकी है अभी तक के, और इनका जो प्रोग्राम है, जो ज्ञापन सौंपने का जो प्रोग्राम है, लगभग 2 बजे या 2:30 बजे के करीब होगा इनका। और यहाँ पर पुलिस व्यवस्था भी काफी चाक चौबंद है यहाँ पर, और इनकी जो संख्या है 45,000 करीब करीब इनकी संख्या है प्रदेश भर में। जी, ये जो जहाँ पर आंदोलन हो रहा है वहाँ पर जो आसपास का जो एरिया है या जो आसपास का स्थान है वो इतने सारे लोगों के एक साथ एकत्रित होने से जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ वहाँ पर ट्रैफिक की अवस्था की बात करें या किसी भी चीज की बात करें तो वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है, तो इन सबको देखते हुए वहाँ पर शासन प्रशासन की ओर से किस तरीके की व्यवस्था की? देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि पहले ये जो धरना प्रदर्शन स्थल था बूढ़ा तालाब शांता के पास था, जिसको शासन प्रशासन ने सिर्फ 100 लोगों की ही प्रदर्शन करने की अनुमति दी है, और 100 लोगों से अगर अधिक होते हैं तो उन्हें रायपुर, नया रायपुर की तरफ जो मेला ग्राउंड है नया रायपुर में, माना टूटा जिसको बोलते हैं, वहां पर प्रदर्शन करने की अनुमति है। और वहां पर मतलब ना ट्रैफिक को किसी को परेशानी है, ना ऐसी कोई बात नहीं है, तो प्रशासन ने वहां पर एक व्यवस्था बना दी है। जी, ये जो धरना हो रहा है ये कब तक चलने की आशंका जताई जा रही है? सुबह से ये धरना लगातार अभी तक जारी है, तो ये कब तक ही चलने वाला है? देखिए, धरना तो काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन ये जो आज का जो धरना है तो वो जैसे कि अभी लास्ट 6 जुलाई को एक कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, 3 लोगों को उससे आशा थी कि हमारे संविदा कर्मियों के बारे में कोई अच्छा डिसीजन आएगा, लेकिन वो डिसीजन नहीं आया है, इसका आक्रोश इन लोगों में ज्यादा है। तो ये प्रदर्शन आज भर का ही होगा और बाकी फिर अपने जिला मुख्यालयों में लोग प्रदर्शन करेंगे। जी, धन्यवाद जी, जी बहुत धन्यवाद। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।